हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल क्रोशेट में स्वागत है। आज हम पिंक कलर की ऊन से एक डोरी बनाएंगे। तो उस डोरी का यूज़ आप रूम डेकोरेशन में, बैग में या किसी भी रूप में कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर की ऊन ली है। आप जो भी कलर की ऊन लेना चाहिए वो कलर की ऊन ले सकते हो। और मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो इसके लिए पहले हम ये जो उस रूम है हम यहाँ पर ऐसे नोट लगा लेंगे उनसे। और नोट लगाने के बाद में यहाँ पर हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 13 चैन बनाएंगे हम यहाँ पर। तो 3 बना दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चैन बना ली। चैन बनाने के बाद में ये जो पहली चैन है इसके हम स्किप कर देंगे और जो सेकंड चैन है इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और पहले धागे को सेकंड धागे से पास करते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में हम एक चैन लेंगे ऐसे और फिर इसे ऐसे घुमा लेंगे और सेम इसके सामने वाला जो हमें ये चैन दिखाई दे रही है इसका एक लूप उठाएंगे, यानी कि चैन के बीच में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे फिर से। अब हमें जो भी हमारी जितनी भी हमारी चैन है हमारे पास, हमें यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच करना है हर एक चैन के बीच में, यानी कि बीच में क्रोशिया डालेंगे चैन के ऐसे, बीच में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे। नेक्स्ट बार भी ऐसे करेंगे, नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट को सेकंड से पास कर देंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट को सेकंड से पास कर देंगे, नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही अभी सभी होल पर हम करते हुए यहाँ तक इसे ले आएंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक लास्ट तक कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले जो स्टिच है इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे, ये दोनों लूप उठाएंगे और तागा निकालेंगे ऐसे और फर्स्ट वाले तागे को सेकंड तागे से निकाल देंगे। तो ये हमारा फिर से स्लिप स्टिच हो गया। लास्ट में हमें दोनों लूप यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में हम ये दो लूप उठा के ऐसे बना देंगे। फिर अब हम 15 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चैन हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3। ये 3 चैन है इन्हें हम छोड़ देंगे और फोर्थ चैन के अंदर क्रोशिया डालेंगे ऐसे। 15 चैन बनाएंगे, उसमें से ये शुरू की 3 चैन स्किप कर देंगे और 15वीं चैन के बीच में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद में अब हम यहाँ 1 चैन लेंगे और फिर ये सामने वाली चैन के बीच में क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे ऐसे। फिर क्रोशिया हुक चैन के बीच में डालेंगे, धागा निकालेंगे और पास करेंगे। फिर चैन के बीच में क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट को सेकंड से पास करते हुए सभी पर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। पहले हम फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक यहाँ चैन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम इस साइड से इन दोनों लूप को एक साथ उठाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे, और धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले को सेकंड से पास कर देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसे हम ऐसे ऐसे घुमा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 15 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हमारी 15 चैन कंप्लीट हो गई। अब 1, 2, 3 चैन स्किप करेंगे और ये फोर्थ चैन के अंदर बिल्कुल बीच में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड धागे से पास कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होगा। तो सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे। अब इसे यूं घुमा लेंगे और इसके सेम सामने वाली चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और फर्स्ट लूप उठाएंगे, फर्स्ट को सेकंड से पास कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट होल में फर्स्ट बीच में क्रोशिया डालेंगे और धागा निकालेंगे, पहले धागे को दूसरे धागे से पास कर देंगे। फिर नेक्स्ट होल के अंदर क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फर्स्ट धागे को सेकंड से पास किया ऐसे। हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया यहाँ तक। अब हम इस सामने के दोनों लूप, दो लूप उठाएंगे और धागा निकालेंगे और सिंगल ये स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में इसे भी ऐसे घुमा देंगे और फिर से यहाँ पर 15 चैन लेंगे। तो ऐसे हम ये 15 चैन का जो पैटर्न है इसे रिपीट करते हुए हम इसे 7-8 बार बना लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 8-10 बार रिपीट करके ये लास्ट में 1 चैन लेके धागे को कट कर लिया। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से हम इसे वापस यूँ इन्हें सेट कर लेंगे एक बार। वैसे तो इन्हें सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इन्हें बनाओगे तो ये अपने आप सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा इन्हें सेट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। तो अब हमें जो ये फर्स्ट वाला हमारा लूप है इसे ऐसे पीछे करेंगे और जो ये बैक वाला लूप है इसे इसके अंदर से ऐसे पास कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर इसको जो बैक वाले को है इसको इसे अंदर से ऐसे पास करेंगे इसके अंदर से और इसको बैक साइड में यूँ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट को ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे, फिर नेक्स्ट को
ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट को आप ये डोरी कितनी भी लंबी बना सकते हैं, इससे आप बेल्ट बना सकते हो, हेयर बैंड बना सकते हो, इसे आप अपने हैंड में भी वेयर कर सकते हो, या ये देखिए बैग बैग में भी इसे लगा सकते हो आपने। यहाँ दोनों साइड में इसे आप इसमें हुक लगाकर आप इसको अपने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।